हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की है, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ आपके लिए सोचा गया है। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे डेटा बताने वाला हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको सही में लगेगा कि आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा मदद आया। क्योंकि एक्चुअली इस वीडियो का पर्पस हुआ क्या, आज मेरे पास एक कॉल आया और हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका कॉल आया कि रोहित सर, मैंने कुछ कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कुछ सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब बाजार ऊपर से नीचे आ चुका है, आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनका काफ़ी अच्छा लॉस चल रहा होगा, लेकिन डर नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दिक्कत वाली बात क्या है कि बाजार कितना आ सकता है, क्योंकि लगातार FIA सेलिंग कर रहे हैं, लगातार मार्केट आपका नीचे आ रहा है। दिक्कत बस इतना है कि बाजार कितना नीचे आ सकता है, कहाँ पे बॉटम बन सकता है, कहाँ से रिकवर कर सकता है, या गिरावट पूरी हो चुकी है, जिस सब कुछ मैं डेटा के बेसिस पे बात करूँगा इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो आप पूरा देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। और वीडियो को पूरा देख कर एक कमेंट करो और लाइक करो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जी। अगर आप देखोगे तो 1997 से अगर आप डेटा देखोगे तो पूरा आपको 2022 तक ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। इस डेटा में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है कि हर ईयर यानी हर एक साल में आपका बाजार कितना करेक्शन देता है, कितनी आपको गिरावट देखने को मिलती है, बाजार कितना नीचे आता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो 1997 में बाजार कितना नीचे आया था, यहाँ पे अगर आप देखो तो 27% की हमको सेलिंग देखने को मिली थी, ठीक है, निफ्टी के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो 1998 में आपको कितना बाजार नीचे आता हुआ दिखाई दिया था, तो 35% का आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था, ठीक है। 199 में कितना आपको देखिए यहाँ पे निफ्टी नीचे आता हुआ दिखाई दिया, तो 18% की आपको सेलिंग देखने को मिली थी। फिर अगर मैं बात करूँ तो 2000 में आपको कितनी सेलिंग दिखाई दी थी, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 39% की हमको सेलिंग देखने को मिली थी। और 2001 वो वाला देखिए यहाँ पे आपको साल दिखाई देगा, 2000 का सन, यहाँ पे देखिए आपको जो .com क्रैश आपको दिखाई दिया था, जो .com बबल आपको दिखाई दिया था, वो क्रैश हुआ था, उसके वजह से इतनी सेलिंग हमको दिखाई दी थी, ठीक है। फिर साल आता है 2002 में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 23% की सेलिंग, 2003 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 16% की सेलिंग हमको देखने को मिली थी। फिर 2004 में भी अगर हम बात करें तो 35% की सेलिंग। और ये पूरी जो सेलिंग है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अपने हाई से, यानी निफ्टी ने जो अपना लाइफ टाइम हाई मारा या अपना हाई लगाया है, उस हाई से यानी अपने टॉप से इस करेक्शन को गिना जाता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि अपने टॉप से अभी निफ्टी कितना नीचे आ चुका है, क्या उसका करेक्शन पूरा हो चुका है, या अभी थोड़ा सा और करेक्शन है, जिससे आपका माइंड पूरा खुल जाए कि मुझे अब अगला इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन और समझते हैं कि 2005 में भी अगर आप देखो तो 13% का आपको करेक्शन दिखाई दिया। रोल ओवर, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपका बाजार कैसा भी हो, ठीक है, करेक्शन आता है, साल में एक बार करेक्शन अपने टॉप से देखने को मिलता है, लेकिन कितना देखने को मिलेगा ये मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर 2006 में भी आपको देखिए यहाँ पे 31% की करेक्शन दिखाई दिया, 2007 में भी 16% का। फिर अगर मैं बात करूँ तो जी 2008 सबसे बड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था कोविड के पहले, जो कि देखिए यहाँ पे आपको ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस देखने को मिला था, इसमें आपको जो सेलिंग दिखाई दी थी वो देखिए 64% की आपको सेलिंग दिखाई दी थी, जो अभी तक की सबसे बड़ी सेलिंग थी। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे 2009 में भी देखिए 19%, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2010 में 12%, फिर अगर 2011 की भी बात करते हैं 26%, फिर 2012 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखें 15%, 2013 में 17%, और 2014 में सबसे कम करेक्शन आया था यहाँ पे देखिए 7%, और अगर मैं 2015 में बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 17%,
2016 में 14% और 2017 में देखिए 4%। सबसे छोटा सा करेक्शन जो हमको देखने को मिला था वो 2017 में देखने को मिला था, फिर उसके बाद 2018 में देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 14%, और 2020 में ये वो वाला करेक्शन है जो ज़्यादातर इंडियन ने देखा हुआ है, क्योंकि ये कोविड का करेक्शन था, ये कोविड का करेक्शन, और ये करेक्शन जो आपका आया था ये 39% का आपको करेक्शन देखने को मिला था। उसके बाद देखिए 2021 में 11% और 2022 में आपको यहाँ पर करेक्शन देखने मिला था 17% तक। ये पूरी कहानी हमको समझ में आई, लेकिन अब कहानी इसी जगह से शुरू होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो पूरा करेक्शन आ रहा है, ये हेल्थी करेक्शन हम कहते हैं, जब जब मार्केट आपका बाजार लाइफ टाइम हाई पे चलता है तो एक करेक्शन हमको वहाँ से देखने को मिलता है। उसके रीजन अलग अलग होते हैं, उसके रीजन अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हमको यहाँ पे दिखाई दी, जैसे कि अब का करेक्शन जो हमको दिखाई दिया उसमें FIS बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका डेटा मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अभी हमारा देखिए यहाँ पे मैं अक्टूबर का मंथ है और फिर नवंबर का मंथ है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ईयर लगे हुए हैं, इस जगह अगर आप देखो ईयर लगे हुए हैं, तो अक्टूबर और नवंबर में यानी इस मंथ में आपको ज़्यादातर सेलिंग किस ईयर में कहाँ पे देखने को मिली, तो 2004 में अगर आप देखो तो 2004 में देखिए अच्छा रहा, 2005 में हमको यहाँ पे करेक्शन दिखाई दिया, फिर एक हमको करेक्शन दिखाई दिया जो कि 2008 में देखने को मिला, फिर अगर मैं बात करूँ तो देखिए 9-10 फिर आपको देखिए यहाँ पे 11 में हमको करेक्शन दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा चला, फिर एक करेक्शन हमको देखने को मिला 2018 में, फिर अच्छा चला, फिर एक करेक्शन हमको देखने को मिला इस जगह जो कि 2023 में, ठीक है। जी आपको ईयर टू ईयर का यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे रहा। नवंबर का कैसा था, तो नवंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आपका 2007 में देखिए करेक्शन था, 2008 में था, फिर देखिए 9 ठीक था, 10 में 11 में करेक्शन था, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे करेक्शन, फिर आपको ये करेक्शन देखने को मिला था 2015 में, फिर 16 में 17 में फिर ठीक चला, फिर आपका जो करेक्शन देखने को मिला 2021 में, ठीक है। तो अक्टूबर का मंथ में जो करेक्शन आ चुका है, तो यानी नवंबर के मंथ में कहीं ना कहीं हम थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि एक मंथ में हमको करेक्शन दिखाई दिया तो उसके बाद हमको करेक्शन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, जो बहुत ही कम यहाँ पे दिखाई दिया। लेकिन अब यहाँ पे मेन खेल क्या आता है कि जो इंडिया के इन्वेस्टर हैं, इंडिया के जो इस जगह इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, इनको कम्फर्ट क्यों नहीं आ रहा है, इनको भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इन्होंने क्या सही चीज़ को बैंक नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए जब हम फोमो में काम करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे आपको देखिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखिए 2020 में आपके जो डीमेट अकाउंट है यहाँ पे नंबर फॉर इन्वेस्टर अकाउंट, ठीक है, इन करोड़, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 करोड़ के आसपास के आपका इस जगह डीमेट अकाउंट है, और यहाँ पे जो ग्रोथ हमको देखने वाली वो अगर आप देखो तो 297 करोड़ की 7% की हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने वाली, और अगर हम बात करें 2024 में यहाँ पे देखिए 16 करोड़ के आसपास का देखिए यहाँ पे डीमेट अकाउंट हुए, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इस जगह डीमेट अकाउंट है इन्होंने कोई भी करेक्शन नहीं देखा है बाजार के अंदर, यानी बाजार के अंदर करेक्शन होता क्या है ये इनको पता ही नहीं है, ठीक है। जब पता ही नहीं है, जब बाजार नीचे की साइड आता है ना तो उसमें क्या होता है कि बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन आ रहा है, अब तो माल बेचो ही बेचो, ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी तक इन्वेस्टरों ने किया क्या है कि जो इन्वेस्टर है स्मॉल, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि लार्ज कैप जो होता है, यानी एक अच्छी अच्छी कंपनी है जो अपने जीवन में अच्छा पैसा बना चुकी है, एक बड़ा पैसा बना चुकी है, बड़ा मार्केट कैप लेके बैठी हुई है, उसमें आपके ज़्यादातर लार्ज कैप फंड होते हैं, तो वहाँ पे अगर मैं देखूँ रिटर्न के, तो वहाँ पे अगर आप देखो तो 41% के आसपास के रिटर्न हमको दिखाई दिए, जो कि आपका देखिए मार्च 2020 से लेके आपको देखिए जून 2024 तक, ठीक है। लेकिन सवाल आता है कि यहाँ पे 2000 स्मॉल कैप, अब यहाँ पे स्मॉल कैप की मैं बात करूँगा तो स्मॉल कैप में क्या हुआ है मार्च 2020 से लेके, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए डेटा यहाँ पे जून 2024 तक इनके जो रिटर्न थे वो अगर आप देखोगे तो 296% के हमको रिटर्न, यानी अगर आप देखो जबरदस्त रिटर्न, पैसा 3 गुना
कह दिया। अब इसी चीज़ की आदत थी भाई, क्या कह सकते हैं। तो ये चीज़ तो देखिए मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि कितना आपको सेलिंग देखने को मिलता है। अब क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे मैं कुछ और डेटा बताना चाहूँगा कि डीमैट अकाउंट की अगर आप देखो इंडिया के अंदर 1997 में, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, 1997 में, ठीक है, इसमें कितने डीमैट अकाउंट आपके 2022 तक कितने आपको देखें यहाँ पे 25 सालों में, यानी अगर आप देखो 25 सालों में आपके जो 11 करोड़ डीमैट अकाउंट देखने वाले, यानी 25 सालों में जो पूरी ग्रोथ हुई वो 11 करोड़ डीमैट अकाउंट हमको दिखाई दिए। लेकिन अब अगर इस जगह मैं बात करता हूँ तो लास्ट देखिए यहाँ पे लास्ट आपको दिखाई देगा, लास्ट 20 मंथ, ठीक है, 20 मंथों के अंदर ये पूरी जो ग्रोथ हमको दिखाई दी वो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको कितना दिखाई दे रहा है, 17 करोड़, ठीक है, 17 करोड़ डीमैट अकाउंट दिखाई दिए। और जो पूरी जो ग्रोथ हमको दिखाई दी वो इस जगह 54% के आसपास की दिखाई दी यहाँ। और ये पूरा जो डेटा है वो जनवरी 2023 तक हमको देखने को मिला। ये कहानी आपको पूरी दिखाई, पूरा खेल है, सेलिंग आया, लेकिन जो लोगों को देखिए यहाँ पे नॉलेज नहीं मिल पाया ना सही तरीके से, इसलिए बाजार के एसएल हिट जा रहे हैं, मार्केट में माल बेचते जा रहा है, एफआईएस अपना माल बेचेंगे, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर हमेशा उस जगह पैसा लगाता है जिस जगह उसको प्रॉफिट मिल रहा हो। आज इंडिया में पैसा अगर बनना है तो वो इंडिया के पास आएगा, कल अगर चाइना के पास पैसा बनना है तो वो चाइना जाएगा, मानो अगर और किसी देश में पैसा बनना है तो वहाँ जाएगा, उसको पैसे से मतलब है और अच्छी वैल्यूएशन उसको मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जी अब मैं करेक्शन की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे करेक्शन का रेंज आपको निकाल के दिखाऊँ तो यहाँ पे अपने हाई से इसका हाई कितना था, इसका हाई था यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अपने हाई से अभी हम कितना करेक्शन दे चुके हैं, अपने हाई से अगर आप देखोगे तो 7.5% का करेक्शन अभी तक हो चुका है, ठीक है, 7.5% का करेक्शन हो चुका है। और जैसे कि हमने देखा कि 10% के करेक्शन ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे दिखाई दिए, तो 10% का अगर मैं करेक्शन इसके अंदर लेके चलता हूँ तो वो यहाँ पे हमको दिखाई देता है इस जगह, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपका कितना आया था 7.5%, ठीक है, 7.5% के आसपास का आपको यहाँ पे करेक्शन दिखाई दिया। और 10% अगर मैं लेके आता हूँ, ठीक है, तो 10% की रेंज आपको निकल के आती है जो कि आपका देखिए यहाँ पे 23,500 के समथिंग, ठीक है, 23,000 से लेके आपका 23,600, ठीक है, यहाँ पे हमको कितने 10% के आसपास की करेक्शन दिखाई देती है। अपने टॉप से अभी कितना करेक्शन दे चुका है ये आपका 7%, नीचे अगर हम 10% की करेक्शन की बात करते हैं तो 10% करेक्शन हमको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर ये अपने टॉप से इतना करेक्शन दे चुका है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेकिन अगर जो करेंट प्राइस है उस करेंट प्राइस से अगर हम देखते हैं तो करेंट प्राइस से हम क्या देखते हैं कि करंट प्राइस से अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो करंट प्राइस से आपका नीचे की साइड, ठीक है, ये वाला जो लेवल था 23,500, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 3-3.5% का करेक्शन और देखने को मिलता है। अब यहाँ पे टेक्निकल का नेक थोड़ा अपन समझ लेते हैं कि टेक्निकल में क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसी जगह से हमको तेज़ी देखना शुरू हुई थी। और अगर ये अपने साइकोलॉजी लेवल को ब्रेक करता है जो कि 24,000 का लेवल है तो उसके नीचे हम और कितना जा सकते हैं, तो उसके नीचे हम इस जगह 23,500 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इसमें जो बड़ी सेलिंग हमको देखने वाली थी वो हमको देखिए यहाँ पे जब चुनाव हुए थे तो चुनाव में जो हमको बड़ी सेलिंग देखने वाली थी इस जगह, मेरे ख्याल से ये बड़ी सेलिंग आप मुझे बताना। और यहाँ पे जो इसका लो था वो आपका 22,000 के समथिंग, तो अभी तक हम वहाँ तक तो बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी करेक्शन थोड़ा और बाकी है और 24,000 के नीचे थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने पैसे को देख कर समझ कर इन्वेस्ट करो। बाकी वीडियो कैसा लगा जी आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।